Prime Minister, sir, please. जी स्पीकर साहब, आज का जो जॉइंट सेशन है, मेरे ख्याल में लोगों को इसकी स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में हमें इस सेशन की पूरी तरह अहमियत की समझ नहीं है। अगर ये होती तो स्पीकर साहब, नो प्लीज, मैं अपोजिशन से आप कंटिन्यू प्लीज। स्पीकर साहब, मैं अर्ज करूं, ये जो सेशन है इसको सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं देख रही, इसको कश्मीरी देख रहे हैं, इसे दुनिया देख रही है। मैं बड़े अपनी ऑपोजिशन से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये चाहते हैं इस तरह इस सेशन को डिस्टर्ब करने, मैं बैठ जाता हूं, मैं इसे बैठ जाता हूं कि इधर से सिग्नल जाना चाहिए कि सारी कौम इकट्ठी है। जी शाहबाज साहब जी, मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि तकरीर को हम सुने, उसके बाद हम उसका मुदल्लल विद फैक्ट जवाब देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज। जी स्पीकर साहब, शुक्रिया। स्पीकर साहब, इसकी अहमियत कश्मीरियों के लिए नहीं सिर्फ इस सेशन की, इसकी अहमियत सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये जो रिपरकशंस इंडिया ने जो कल फैसला किया, ये सारी दुनिया पे इस पर रिपरकशन जा सकते हैं, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आराम से तहमल से सुने, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज आज यहां से जानी है। जब हमारी हुकूमत आई तो जो मेन प्रायोरिटी मेरी हुकूमत की थी वो ये कि पाकिस्तान में गुर्बत खत्म की जाए, कम की जाए। उसके लिए हमने फैसला किया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अपने सारे जो नेबर्स थे उनसे ताल्लुकात ठीक किया जाए, क्योंकि जब तक टेंशन रहती है, इंस्टेबिलिटी रहती है, और जो हम वॉर ऑन टेरर के 15 साल से गुजरे, तो सबसे बुरा इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है, ग्रोथ रेट पे पड़ता है, और गुर्बत, लोगों को आप गुर्बत से नहीं निकाल सकते। तो लिहाजा सारे नेबर्स से मैंने रीच आउट किया, मैंने हिंदुस्तान से आते साथ ही उनको कहा कि आप एक कदम हमारी तरफ लेंगे, दो कदम हम आपकी तरफ आएंगे। मैंने अफगानिस्तान को अप्रोच किया कि जो भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है माजी की, हम एक नया चैप्टर खोलना चाहते हैं। ईरान से ईरान गया, उनसे बात की, वहाँ मसले थे। चाइना से तो हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। फिर बाकी मुल्कों में भी गया, और आखिर में जो अमेरिका की ट्रिप थी वो भी ये कोशिश करने गए कि जो भी हमारे माजी में इश्यूज आए वो हम ख़त्म करें, ताकि पाकिस्तान को स्टेबिलिटी मिले और पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, ग्रोथ रेट बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए, ताकि हम लोगों को गुर्बत से निकाल सकें। तो मैंने जब नरेंद्र मोदी से जब शुरू में आके बात की, तो उन्होंने खदशात के जाहिर किए कि जी हमारे खदशात हैं, आपके पास ट्रेनिंग कैंप्स हैं, आपके पास फलानी चीज़ें हैं। तो मैंने उनको तब समझाया कि हमारे मुल्क में एक 2014 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल का जब एक बहुत तकलीफ दह सानिया हुआ था, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे आ गई और हमने एक नेशनल एक्शन प्लान पर साइन किया, जिसके अंदर हमने ये फैसला किया कि कोई मिलिटेंट ग्रुप पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं करेंगे। मैंने उनको समझाया इस चीज का। उसके बाद हमने कोशिश की उनसे डायलॉग शुरू करने की, और हमने रियलाइज किया कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे। उसके बाद पुलवामा हो गया। जब पुलवामा हुआ तो हमने पूरी कोशिश की उनको समझाने की कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था, लेकिन हमें तब भी
एहसास हो गया कि उनके इलेक्शंस थे और वो अपने इलेक्शंस के लिए उन्होंने पाकिस्तान को स्केपगोट बनाना था और कश्मीर की अवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहे थे उनसे दुनिया की नज़र उठानी थी। तो उन्होंने सारे जो कदम लिए वो लिए इसलिए अपने मुल्क में वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया, सिर्फ मकसद उनका ये था कि पाकिस्तान को स्केपगोट बनाएं और अपनी इलेक्शन के अंदर ये एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पैदा करके और वो जीते। डोसियर बाद में भेजा और अपने प्लेन्स पहले पाकिस्तान भेज दिए। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सही जवाब दिया और फिर जब उनका पायलट हमने पकड़ा हमने फौरी वापस कर दिया बताने के लिए कि पाकिस्तान की कोई इंटेंशन जंग की नहीं है। उसके बाद हम चुप करके बैठ गए और हमने सोचा कि हिंदुस्तान में इलेक्शंस हो जाएं और जब इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद हम फिर रिज्यूम करेंगे बातचीत। इलेक्शंस हो गए, उसके बाद हमने कोशिश की और मुझे याद है जब हम बिश्केक में एक एससीओ की कॉन्फ्रेंस थी उधर हमने जब इनका रवैया देखा तो हमने फैसला किया कि ये हमारी कोशिशें अमन को के लिए जो कोशिशें हैं उसको गलत समझ रहे हैं, ये उसको कमजोरी ले रहे हैं। तो हमने तब फैसला किया कि अब हम इनसे आगे बातचीत नहीं करेंगे। जब प्रेसिडेंट ट्रंप से मैं मिला तो मैंने इसी को सामने रखते क्योंकि बायलैटरल तो आगे इशू बढ़ नहीं रहा तो उनको मैंने इनवाइट किया कि ये एक हॉटस्पॉट है दुनिया में, सारा 1 अरब लोग जो बड़े सगीर में हैं वो हॉस्टेज हैं इस कश्मीर इशू से। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि आप बीच में पड़ जाए गुड फेथ में। इंडियन रिस्पॉन्स आपके सामने था। अब जो ये हुआ है जो इन्होंने कल किया है, मैं इस हाउस के सामने जो आज बात रखना चाहता हूं वो ये कि ये मुझे तब भी जब हम बिश्केक में थे तब भी हमें अंदाजा हो गया था कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे से बातचीत करने का और मैं जो सस्पेक्ट करता था वो चीज कल सामने आ गई। ये जो कल इन्होंने किया है ये कोई एकदम प्लान करके नहीं किया, ये इनके इलेक्शन का मैनिफेस्टो था और ये अगर आप देखें तो ये इनकी आइडियोलॉजी है स्पीकर साहब, ये नजरिया इनका, ये नजरिया बेस है आरएसएस के नजरिए के ऊपर। इनके जो फाउंडिंग फादर्स थे आरएसएस के, गोलवाकर एक और उनके कई, उनकी आप पढ़ लें कि उनका उनकी क्या आइडियोलॉजी है जिस आइडियोलॉजी के सामने हम खड़े हैं। उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि मुसलमानों को वो हिंदुस्तान से एथनिक क्लेंस करेंगे। उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि ये जब आजादी मिलेगी ये सिर्फ हिंदुओं को, हिंदुओं का हिंदुस्तान होगा। दिस इज द बेस्ट आई कैन बी, आई कैन बी मच बेटर, आई रियली नीड टू सेव मनी, मनी इज जस्ट अ नंबर, आई रियली लव दिस प्लेस, दिस प्लेस इज जस्ट नॉट मी एनीमोर। We believe the only constant is change. And we know you do too. That's why, with every step of the way, to be more you, we are with you. For Lenco, a different furniture company. उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये सब जितने भी लोग वहां हिंदुस्तान में बसते थे, जितनी भी अकेले थे, ये सब का पाकिस्तान होगा। उनकी आइडियोलॉजी ये थी और आज भी आप इनके फाउंडिंग फादर्स जो आरएसएस की उनकी किताबें पढ़ लें, इनकी बड़ी क्लियर आइडियोलॉजी थी कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए इंडिया हिंदू राज था। और एक उनके अंदर एक मुसलमानों के खिलाफ तासुब था और वो क्यों था, वो रिजेंट करते थे कि इन्होंने 500-600 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत की और जब अंग्रेज जा रहा था तो ये नहीं ये सोच रहे थे कि अब वक्त आया है कि मुसलमानों को हम हिंदुस्तान में दबा के रखें, सेकंड क्लास सिटीजन रखें। स्पीकर साहब, आज हम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ट्रिब्यूट पे करें क्योंकि वो पहले इंसान थे जो इस आइडियोलॉजी के
थ्रू देख लिया उन्होंने। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर समझे जाते थे, उनकी सारी जिंदगी ऐसी थी नहीं कि वो किसी के दीन या किसी के रेस की वजह से तासुब रखे। कायदे आजम की पूरी लाइफ हमारे सामने, समझने की बात यह है कि कैसे कायदे आजम जैसा इंसान जो कि जिसके लिए जो इस सब चीजों से ऊपर थे, वो आजादी चाहते थे अंग्रेज से, क्या वजह थी कि कायदे आजम जैसा इंसान आखिर में उसने फैसला किया कि पाकिस्तान बनना चाहिए। और जब आप 1920s के अंदर कायदे आजम की तकरीरें पढ़ रहे, जब वो अलहदा हुए कांग्रेस से, तो मुसलमानों को कहते रहे कि तुम्हें नहीं पता कि ये क्या होने जा रहा है, ये ब्रूट मेजोरिटी के अंदर मुसलमानों को दबाया जाएगा, तुम अंग्रेज की गुलामी के बाद ये हिंदू राज की गुलामी करोगे। ये कायदे आजम की आप तकरीरें आज भी आप पढ़ें, हमें लोगों को बताना चाहिए कि वो कितना बड़ा जहन था जो समझ बैठा था कि किस तरफ जा रही है गेम। कायदे आजम मायूस होकर इंग्लैंड गए, वापस आए, और अगर 1937 के इलेक्शन में जो कायदे आजम कह रहे थे वो पब्लिक के अंदर सामने ना आता, मुसलमानों के सामने, तो ये पाकिस्तान ना बनता। 1937 के इलेक्शन में सारे मुसलमानों को अमली तौर पे नजर आ गया कि जो कायदे आजम कह रहे थे वो सच है, किसी मुस्लिम लीगर को मिनिस्ट्री में नहीं शामिल किया गया। तो वो जो उनको खौफ था कि हिंदू राज की तरफ जा रहा है, उस खौफ जब मुसलमानों को आया तो तब वो मुस्लिम लीग की तरफ आए और तब पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई। आज वो लोग हिंदुस्तान में जो कि टू नेशन थ्योरी में नहीं मानते थे, मैं जब इंडिया में कई कॉन्फ्रेंसेस पे गया हूं तो कश्मीरी लीडरशिप के वो लोग, मुझे अच्छी तरह याद है, वो कहते थे कि बड़ा गलत हुआ पाकिस्तान बना, मानते ही नहीं थे। आज मैं उनके मुंह से सुन रहा हूं कि कायदे आजम की जिना की टू नेशन थ्योरी ठीक निकली। आज वो लोग कह रहे हैं, आज इस ये मौजूदा हिंदुस्तान में वो लोग कह रहे हैं कि यहां मुसलमान या अकलियतें, मसीह बरादरी से भी वही हो रहा है, ये बराबर के शहरी नहीं है। और स्पीकर साहब, इसी में मैं कायदे आजम की अब बात करना चाहता हूं, सिर्फ छोटी सी ये कि कायदे आजम ने जब 11 अगस्त की तकरीर की, जो फेमस तकरीर है कि सब आजाद है अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए, और हम गलती से कहते हैं कि जी ये कायदे आजम सेकुलर थे, वो जो उनकी तकरीर थी, मैं ये जो आपको अभी कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये असल में दो नजरिया, ये दो नजरिया क्या है, एक तो नजरिया आपके सामने आ गया है कि रेसिस्ट नजरिया है, मुसलमानों को इक्वल नहीं मानते, हिंदुओं का वो चाहते हैं हिंदुस्तान, दूसरा नजरिया जिसके ऊपर पाकिस्तान बना था, जो कायदे आजम का नजरिया था, वो ये नजरिया था कि यहां सब बराबर के इंसान होंगे। और वो नजरिया किधर से लिया था, वो मदीना की रियासत से लिया था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चले थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठा के देख ले मदीना की रियासत में, जो उन्होंने मिसाके मदीना, जो उन्होंने सेंट कैथरीन्स चर्च के साथ जो उन्होंने कॉवरेंट साइन किया कि जब तक दुनिया रहेगी मुसलमान आपकी इबादत गाहों को प्रोटेक्ट करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पीच जो उन्होंने आखिरी खुतबा दिया, आखिरी खुतबा में उन्होंने कहा कि हम सब आदम की औलाद हैं, हम हमारा रंग जो भी हो हम एक हजरत आदम की औलाद है, यानी इंसानों रेसिज्म को रिजेक्ट किया, इंसानों में फर्क नहीं था। ये बहुत अजीम, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा नजरिया जिस पे पाकिस्तान बना है इस पे ये तासुब नहीं था। कायदे आजम ने जब ये 11 अगस्त की तकरीर की थी और जब उन्होंने पहले मुसलमानों को पाकिस्तान मूवमेंट में कहा था कि यहां तुम्हें हकूक नहीं मिलेंगे, वो मुस्लिम कार्ड नहीं खेल रहे थे, वो समझ रहे थे कि वो समझ गए थे कि जिस आइडियोलॉजी के सामने उनका मुकाबला है, जो आज की आइडियोलॉजी है, जिसने कल जो कश्मीर में किया वो उस आइडियोलॉजी की वो समझ गए थे। कायदे आजम
जो उनके दुश्मन भी थे वो जानते थे कि वो कोई ड्रामे नहीं करते थे, कोई जोक कहते थे वो मीन करते थे, वो कोई रेटरिक में नहीं पढ़ते थे। तो जो 11 अगस्त की तकरीर थी उसमें कायदे आजम ने जो कहा था वो रियासत मदीना के अंदर जिस तरह माइनॉरिटीज को रखा गया था। मैं स्पीकर साहब सारों को अपनी कौम को भी लोग रियलाइज नहीं करते कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं, खलीफा वक्त एक आम अकलियत के शहरी से केस हार जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला पहले तो खलीफा थे, दूसरा उनका मुकाम सोचे कि जो हमारी हमारे दीन में उनका क्या मुकाम है। ये सोचे कि वो एक जज फैसला करता है एक माइनॉरिटी के लिए उनके खिलाफ। सोचे आजकल की दुनिया में ये तस्वीर कोई कर सकता है? आज तो हम मॉडर्न वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, ये तब फैसला हुआ। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे जो दीन है, जो हमारा मदीना की रियासत अगर हम स्टडी करें उसके अंदर ये जो 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 आज हिंदुस्तान में प्रैक्टिस हो रहा है हम उसके ऑपोजिट हैं। हम जब हमारे मुल्क में हम माइनॉरिटी से नाइंसाफी करते हैं तो हम अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाते हैं, हम अपने दीन के खिलाफ जाते हैं। लेकिन स्पीकर साहब जब ये मौजूदा बीजेपी की हुकूमत जब पकड़ के गोश्त खाने वालों को लटका देती है और लोग मॉब पकड़ के उनको मार देते हैं, और जो उन्होंने अभी कश्मीर में किया और जो पहले 5 साल तशद्दुद किया जो मुसीब बरादरी से उन्होंने किया, ये उनकी आइडियोलॉजी है, ये उनकी आइडियोलॉजी है। उनके उनके जो उनके फाउंडिंग फादर्स थे वो कह बैठे थे कि हम मुख्तलिफ हैं इनसे, हम सुपीरियर हैं। रेसिस्ट आइडियोलॉजी है हमारा जो आज मुकाबला है वो एक रेसिस्ट आइडियोलॉजी से है। इसलिए जब तक ये बैकग्राउंड हमें पता नहीं चलेगी हम फिर आगे प्लान नहीं कर सकते कि आज जो कश्मीर में उन्होंने कल किया, कश्मीर में उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक किया। उन्होंने अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गए, इस गवर्नमेंट अपनी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट गई, जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट गई, वो 17 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट गए, वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन के अगेंस्ट गए, वो सिमला अग्रीमेंट के अगेंस्ट।